बाबा और तीन सरार विधायक कुणाल सारंगी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त कुणाल सारंगी हमारे साथ हैं और देखिए ये तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत कर रहे हैं। जो इनके कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं। कुणाल जी, बीजेपी का नारा था 65 पार, आप बीजेपी में शामिल होते ही इसमें एक लाइन आपने और जोड़ दिया कि विपक्षी इस बार मैदान पार। देखिए 65 पार ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नारा नहीं है, ये अब राज्य की जनता का नारा बन चुका है। और ये 65 पार नहीं, अभी जो नकारात्मक भूमिका में विपक्ष है, इस बार विपक्ष चुनाव के मैदान के पार हो जाएगा। तो ये आप नहीं लगता कि आप खुद को ऐसा कह रहे हैं? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, जो जनता की भावना है, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारा जो मौलिक कर्तव्य और अधिकार है वो जनता की भावना को कद्र करना, उसे स्वीकार करना और उसका प्रतिनिधित्व करना। और आज कहीं ना कहीं चाहे वो जो योजनाएं चलाई जा रही है लोक कल्याण की या देशभक्ति के जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो देश हित में जो कड़े और कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं, उसको जिस तरह की स्वीकार्यता आज देश की जनता और राज्य की जनता दे रही है उसका सम्मान होना जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं लोक कल्याणकारी योजना, आप ही ये खबर लेकर आते हैं कि डॉक्टर नहीं है और वहाँ पर जो मजदूर हैं वो ऑपरेशन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार के हर निर्णय को क्रिटिसाइज करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार के अच्छे निर्णयों की प्रशंसा करे और जो गलत निर्णय है उसको सामने लाए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। मैंने एक सकारात्मक विपक्षी सदस्य की भूमिका झारखंड विधानसभा में पूरी शिद्दत के साथ 5 साल निभाई। के 5 अच्छे निर्णय, सबसे जो सबसे बड़ा निर्णय मैं मानता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा लिया गया है झारखंड में, जो 1 रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। दूसरी बात है स्थानीयता नीति को जो उन्होंने परिभाषित किया, आज विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में हम लोगों ने उस पर बहुत डिबेट किया लेकिन राज्य की जनता ने उसको स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने विपक्ष के सुझावों पर अमल भी किया है। जब स्कूल विलय की बात आई, हम लोगों ने विधानसभा में जब उसका विरोध किया कि स्कूल विलय नहीं होना चाहिए, उस निर्णय को भी होल्ड किया गया है। उसके अलावा जो कई ऐसे निर्णय हैं जिस पर लगा शराब बेचने, जितने भी ऐसे निर्णय हैं उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सीएनटी एसपीटी का संशोधन देखिए, वो संशोधन भी जो आया था मसौदा उस पर नहीं किया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कुछ कर दिया तो हर धर्मिता पर आती है। जो अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम लोगों ने निभाई है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन रोजगार का जो मसला था जो आप लगातार विधानसभा में उठाते रहे थे, चाहे जेपीएससी से जुड़ा हुआ हो या फिर मोमेंटम झारखंड के दौरान दिया गया हो, वो सब क्या अब उसको लेकर कुणाल सारंगी चुप हो जाएंगे? मैं बार बार कहता हूँ, अगर बैरागोड़ा की जनता ने फिर से मुझे विधानसभा आने का सौभाग्य दिया तो मैं सरकार के हर उस निर्णय की प्रशंसा करूंगा जिसका सकारात्मक प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ता हो, और हर उस निर्णय पर मैं उसकी आलोचना भी करूंगा अगर किसी को उस निर्णय से राज्य की जनता पर नकारात्मक प्रभाव। जब कुणाल सारंगी नए राजनीति में आए थे तो अब जब बीजेपी में शामिल हो गए तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मौका परस्त हो गए? आप जिस मौका परस्त की परिभाषा की बात कर रहे हैं, इसी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने मिलकर भी सरकार चलाई। राजनीति में समय और अपनी जनता की सेवा करने के लिए प्लेटफॉर्म का चयन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें। विपक्ष का क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? देखिए जनता तय करेगी, मैं यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता की जो भावना है आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के क्या एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। क्या इसको सिर्फ आप राजनीतिक लहर का नाम देना चाहिए? ये सिर्फ राजनीतिक लहर नहीं है, ये राजनीतिक लहर से कहीं ज्यादा है। जो प्रभाव निचले पायदान पर, समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव आए हैं वो बदलाव परिलक्षित होता है इस चुनाव के परिणाम। तो क्या लगता है कि जेएमएम में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है उनके? देखिए जेएमएम ने मुझे बहुत सम्मान प्यार और अवसर दिया है राज्य की जनता की बातों को विधानसभा में रखने का। मैं आजीवन आदरणीय हेमंत सोरेन जी का आभारी रहूंगा। जो परिवर्तन लाना है वो परिवर्तन मानसिकता का परिवर्तन और कुछ नकारात्मक जो विपक्ष के गठबंधन के साथी हैं उनके नाम पत्थर होने का जो निर्णय है, मुझे लगता है इसको पुनर्विचार होगा। बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी की बातें करने लगे हैं, इस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं और जोरदार तरीके से कुणाल सारंगी का स्वागत किया जा रहा है और उत्साह से लबरेज है।